आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, आज हमें करना है परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखो, क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वॉज अवार्डेड सर्टेन मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, एक स्टूडेंट को कुछ मार्क्स मिले थे एग्जामिनेशन। हाउएवर आफ्टर re-evaluation, मतलब कि जब फिर से चेकिंग हुई, हिज मार्क्स वर रिड्यूस बाय 40% ऑफ द मार्क्स दैट वर ओरिजिनली अवार्डेड टू हिम। उसके जो मार्क्स हैं वो 40% और कम हो गए जो उसको पहले मिले थे उससे। सो दैट द न्यू स्कोर नाउ बिकम 96। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यू स्कोर बना वो 96 हो गया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी मार्क्स डिड द स्टूडेंट लूज आफ्टर re-evaluation। ये पूछ रहा है कि re-evaluation के बाद आखिर उसके कितने मार्क्स गए हैं। तो देखो, मान लेते हैं, लेट द स्टूडेंट गॉट एक्स मार्क्स। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं कि एक्स मार्क्स मिले थे। ठीक है, इसमें बोला है कि उसके कितने परसेंटेज मार्क्स गए हैं, 40% उस मार्क्स के चले गए। ठीक है, और जो नया मार्क्स बना है वो कितना है, 96 है। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि पहले उसके एक्स मार्क्स थे, उसमें 40% की गिरावट हुई है, मतलब 40/100 ऑफ उस नंबर की गिरावट हुई है। तो अब जो नया नंबर बन गया है वो कितना है, 96 के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 2 5 जा, तो एक्स माइनस 2/5x इज इक्वल टू 96। एलसीएम ले लेंगे 5, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 96, मतलब 3x बाई 5 इज इक्वल टू 96। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो x हमारा कितना आ गया, 32 × 5 आ गया। 32 × 5 निकाल लेते हैं, ये कैलकुलेट करने पे आएगा 160। और x हमने क्या माना था कि ये उसके ओरिजिनल मार्क्स है जो उसको पहले मिले थे। देखो, ठीक है, तो इसको पहले मिले थे 160 नंबर, re-evaluation के बाद हो गए हैं 96। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मार्क्स डिड द स्टूडेंट लूज आफ्टर re-evaluation, मतलब जो ओरिजिनल थे उसमें से ये घटा दो। ठीक है, जो उसके बाद में re-evaluation के बाद जो मार्क्स हो गए, तो 10 में से 6 गया 4, 6 हो गया 5, 5 में से 9 जाएगा नहीं इसलिए कैरी ले लेगा 1, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 64 आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर, कि उसके 64 मार्क्स जो है लूज हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं, 58 नहीं होगा, 68 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 64। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर था। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।